मानवता के देव हितहारी, तुम्हें नमन वंदन से तन मन वारी। जब भी संकट धरती पर आया, मानव तूने अपना कर्तव्य निभाया। कर सेवा दया भाव से तुमने मौत को भी गले लगाया। जग में फैली जब महामारी, जिससे भयभीत हुई दुनिया सारी, रोग संताप से घिरा है जग, ऐसे संकट की घड़ी में भी तूने हिम्मत न हारी। अपने प्राणों की परवाह न कर, औरों को जीवन दान दिया। कितने महामारी की चपेट में आए, फिर भी सेवा दया भाव से की। मौत से भी लड़ते लड़ते सेवा धर्म निभाया। अपनी कुर्बानी देके औरों का जीवन बचाया। उस ईश्वर को हमने देखा कभी नहीं, पर मानव तेरी मानवता को हमने ईश्वर रूप में देखा। इस धरती पर हमने तुझे देव रूप में देखा। नमस्कार, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं गीत उदय सैनी, उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल होगा, आप खुश होंगे, आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कभी कभार ये एक विचार मेरे मन में या शायद हर उस इंसान की मन में ज़रूर कौंधता होगा जब वो एक ऐसे इंसान से मिलता होगा जो निस्वार्थ भावना से मानव सेवा में लगा हुआ है, और सच्ची सेवा, ये जो नेक काम का दायरा है, वो निरंतर उसकी ज़िंदगी में बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे इंसान से मिलकर हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक इंसान वो जिसके लिए मानवता कुछ है नहीं, वो मानवता में विश्वास ही नहीं करता, जिसके लिए जिसकी ज़िंदगी में विवेक नहीं, जिसकी ज़िंदगी में चेतना नहीं, जिसकी ज़िंदगी में आप कह सकते हैं बोध नहीं। और दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि निस्वार्थ होकर मानव सेवा कर रहे हैं, और उनको मानवता के आगे कुछ जैसे दिखता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि हम सब ज़िंदगी में महान होने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, महान होने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी करने से पहले एक जो इंसान बनना होता है ना, वो इंसान कैसे बनना है ये हम लोगों को पता ही नहीं। सो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज जिसकी स्टोरी हम कवर करने आए हैं, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर संजीव कंबोज। समाज सेवा में लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से, आप उन्हें सोशल चेंजर कह लीजिए, आप उन्हें ह्यूमैनिटेरियन कह लीजिए, डॉक्टर हैं पेशे से, और इस सेवा में, इस मानव सेवा में उन्हें 10-12 साल का वक्त हो चला है। बहुत कम अभी उम्र, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक उस छोटे से अंतराल में, उस छोटे से समय में उन्होंने इतना कुछ कर लिया है कि उसके एप्रिसिएशन के लिए हमारे पास शब्द नहीं। आज उन्हीं की रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को हम कवर करने आए हैं, और उनकी ये ज़िंदगी के जो खास पल हैं मानव सेवा से जुड़े हुए, वो खास क्यों हैं, किस तरीके से बने, क्या ऐसा भाव आया कि उन्होंने मानव सेवा के लिए अपने जीवन को आज समर्पित कर दिया है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। लेट्स वेलकम डॉक्टर संजीव कंबोज। सो रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर संजीव कंबोज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम सो डिलाइटेड टू हैव यू इन दिस शो। बहुत मान महसूस हो रहा है जब आप जैसी शख्सियत से हम लोग मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जैसी शख्सियतों की वजह से ही हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की। सो ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा, हम कहेंगे कि हमारे लिए एक हमारे फॉर्चून है कि हम आपसे मिल रहे हैं और आपकी आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को कवर कर रहे हैं, आपको थोड़ा और करीब से जान रहे हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू।
सर, क्योंकि आप एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई आपने की है और मेरे ख्याल से एक 2010 में किया गया काम, किस वजह से शुरू किया, आपने क्यों किया, वो तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन 2010 से शुरू हुआ वो नेक काम आज उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। हम कह सकते हैं कि 10 से 12 साल आपको हो चुके हैं मानव सेवा में और एज अ ह्यूमैनिटेरियन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सिर्फ एक टारगेट नहीं है आपका, 365 डेज का ये जो मिशन जिसमें 365 पेशेंट्स को आप कवर करते हैं और हर तरीके से एनी पॉसिबल वे, क्योंकि ये जो ह्यूमन सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, आप एवरी पॉसिबल वे में सब कुछ पहुंचाने की पेशेंट्स को कोशिश कर रहे हैं। ये जो 10-12 साल का वक्त है आपने इतना गुजारा और अभी आगे भी बहुत काम करना है, अचीव बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर मैं इस 10-12 साल के समय को थोड़ा सा जानूँ तो ये समय आपके लिए कैसा रहा है, इन नटशेल आई वॉन्ट टू नो कि मानव सेवा आपके लिए क्या है, आप उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हो कि 10-12 साल सुनने में बहुत छोटे होते हैं जी जी, और जब आप एक एक पल को गुजारना स्टार्ट करते हो ना तो वो एक पल ही सालों के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कईयों के लिए समाज सेवा शौक के लिए करते हैं, फिर उनके लिए बर्डन हो जाता है। ओके, ठीक है, बट मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है मेरी लाइफ का। ओके, और वो कैसे? वो इसलिए कि अगर आपको, अगर एक काम को रेगुलर करते रहोगे ना, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। हमने काम ना अलग अलग कामों को अलग अलग टाइम पे करते रहते हैं। ठीक है, हर एक काम एक सेवा का काम है। इंसान से लेकर जानवर तक, जानवर से लेकर प्राकृतिक तक, नेचर तक। जी जी जी, ठीक है, मतलब हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। अगर एक चीज के आपका इंटरेस्ट खत्म होता है तो आप दूसरी तरफ इजीली जा सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, जैसे इंसानों से हमने स्टार्ट किया, फिर एनवायरनमेंट पेड़ पौधे आए जी, ठीक है, कोई डिजास्टर आ गया तो हम वहाँ पहुंचे, ठीक है, फिर कोई एनिमल्स आया, कोई रोड साइड मिल गया, मतलब हमने कोई एरिया कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है जी। तो जब हम दिल से किसी चीज को करते हैं ना तो एट द एंड पर क्यों करते हैं, एक सुकून पाने के लिए। जी जी, तो इन चीजों में सुकून है। अगर आप अपने डेली लाइफ का कुछ थोड़ा सा टाइम 1-2 आवर इन चीजों में गुजारते हो तो आपको डेफिनेटली सुकून मिलेगा। बिल्कुल, बहुत समझ के कोई चीज मत करो और आप इतना भी होच पोच मत कर दो कि आपका सारा काम उसी चीजों में लग रहा है। अगर आप मैनेज करके चलोगे, कुछ उस टाइम सेगमेंट को आप बांट के चलोगे तो इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट क्यों आएगा? आपके साथ बहुत सारे एक नई फैमिली या ग्रुप बन जाएगा। बिल्कुल, आजकल लोगों को फ्रेंड्स चाहिए, कुछ चाहिए, सब चीज़ें, मतलब हमारी टीम में हर एक एज ग्रुप का, अगर छोटे बच्चे भी हैं जो लाइक कैंसर पेशेंट्स भी हैं जी, ठीक है, वो बच्चों का प्यार हमें उनसे मिल जाता है, किसी ने उनकी स्टडी रीडिंग राइटिंग के लिए काम करना, इवन ब्लाइंड्स तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके लिए मानव सेवा है, ठीक है, मतलब बच्चों से लेके बड़े हो गए, ओल्ड एज पर्सन्स आ गए जी, एनिमल्स तक आ गए जी, हर चीज है, मतलब ये हर एक चीज इंटरलिंक है। तो सुकून मिला, कभी मैंने नहीं सोचा कि ये बर्डन है या कुछ भी है, तो जब दायरे में एक स्टार्ट हो जाते तो वो चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। ये आपको सुकून, क्योंकि निश्चित तौर पर ना आई बिलीव कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा वाक्या ज़रूर होता है कि वो एक जो घटना होती है, वो जो एक वाक्या होती है, वो हमारे ज़िंदगी के सोचने का नज़रिया बदल देती है। क्योंकि मैंने रियल लाइफ फंटोल स्टोरी के बहुत से ऐसे एपिसोड किए जब मेरे साथ ह्यूमैनिटेरियन जुड़े, मेरे साथ मानव सेवा करने वाले लोग जुड़े। मैं हर एक से ये जानती हूँ कि ये जो भाव है मानव सेवा का, ये शुरू से था या फिर कोई वाक्या ऐसा आपकी ज़िंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है जिससे आप मानव सेवा के साथ जुड़ गए? बिल्कुल, जैसे मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में मेनली कल्चर होता है कि मंदिर गुरुद्वारे अपने जी। आज से 12 साल पहले, 12 साल के आप 20 साल पीछे जाएंगे, जब छोटा मैं भी 10-12 साल का होऊंगा जी जी जी, तो गुरुद्वारे मंदिर में मैंने लंगर की सेवा करना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मेरा वहाँ तक सीमित होता था, लंगर उठा लिया, बांट दिया, बड़ी खुशी होती थी। अच्छा, ठीक है, कोई भी काम ऐसा मिलता था, बट एनजीओस वर्ड या समाज सेवा का कुछ पता ही नहीं था। नहीं पता था, क्योंकि हम इतनी एज में ना तो हम बीमार पेशेंट देखते हैं, ना ऐसे बंदे आते हैं सामने आज से, जैसे गांव हमारा अच्छा था कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको इलाज पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपनी फैमिली पेरेंट्स करते होते थे,
चलो कलेक्शन करके, बट इतना आइडिया केसेस देखे नहीं थे, ठीक है ठीक है, ना इतनी ज़्यादा गरीबी देखी, ठीक है। फिर जब मैं 2000 लगभग 10 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आया, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के सामने ही पीजीआई गेट है, ठीक है, हाँ। जस्ट एक रोड आती है, इधर यूनिवर्सिटी है जहाँ स्टडी का सिस्टम है, और सामने वो सिस्टम है जहाँ हेल्थ का अपना, जहाँ हजारों ही पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। तो बाई चांस मेरे को, मेरे मदर भी एडमिट थे 2010 में, तो पीजीआई फर्स्ट टाइम मेरे को वहाँ जाना, मैं एक साल नहीं गया पीजीआई कभी, अच्छा 2010 में आया तो मैं पीजीआई नहीं विजिट किया, जस्ट एक रोड क्रॉस करके, अच्छा। तो मेरे मदर जब एडमिट होते तो मैंने वहाँ पीजीआई देखा भी, ये पीजीआई है, अच्छा, अंदर की लाइफ इस तरफ की क्या है वो नहीं और उस पता तरफ की लाइफ क्या है, हाँ। ठीक है, चलो फादर साहब के अच्छे लिंक्स थे, डॉक्टर्स तक अप्रोच थी, तो सारा काम हमारा इजिली होता गया, ठीक है। चलो मोम मेरे 21 डेज बाहर रहे, ओके, तो डॉक्टर्स ने बहुत एफर्ट्स किए, चलो उन्होंने सेव किया, ठीक है। तो वहाँ एक ऐसा इंसिडेंट आया कि डॉक्टर्स ने मेरे को बोला भी 3-4 ग्राम ब्लड है, अच्छा। आप ब्लड बैंक जाके ब्लड लेके आओ, ओके। तो मैं जब ब्लड लेने गया तो उस ब्लड बैंक में मेरे को भी 1-2 घंटे लग गए, जब टाइम लगा तो ज़्यादा लगा तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो जूनियर डॉक्टर कार्डिक बिल्डिंग से ब्लड बैंक आता है, कहता यार तेरे को ब्लड नहीं अभी तक मिला, ठीक है। मैंने कहा ये देना तो इन्होंने है, जब वो टाइम मैंने देखा मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया, चलो डॉक्टर ब्लड ले गया सारा कुछ ठीक हुआ, फिर कुछ टाइम मैंने उस टाइम रियलाइज़ किया कि यहाँ यार पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इतनी दुनिया है। फिर कुछ टाइम बाद मेरी फैमिली घर से फ़ोन आता भी यार एक गांव से फैमिली आई हुई है उनको ब्लड चाहिए, जब मैं उनके लिए, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाते हैं 3-4 लड़के जाते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ देखता हूँ कि कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कश्मीर से है, जी ठीक है, जो ब्लड के लिए ना, मैं एक को ब्लड हम दिलवाते हैं तो वो बंदे हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनकी निगाहें होती है कोई ना कोई बंदा आ जाए और हमारे लिए भी ब्लड की हेल्प कर जाए जी, हाँ। तो वो हमारे पैरों की तरफ, बाऊजी बाऊजी आप तो यूनिवर्सिटी से आए हो, आपके साथ लड़के होंगे, हमारी भी हेल्प कर दो। तो मेरी नेचर ऐसी थी भी यार जो चीज हम कर सकते हैं क्यों ना करें हम, ठीक है। मैंने बोला लड़कों को फोन किया, यूनिवर्सिटी भाई आओ यार, ठीक है, जरूरत है, ठीक है। तो वहाँ देखा, जब उनकी स्टोरी सुनी, किसी का किडनी फेलियर है, किसी को कैंसर है, बिल्कुल, मैंने कहा यार मेरे मन में पहले भी था यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को देख के वो माहौल देख के भी यार कुछ करना है, कुछ अलग करना है, ऐसा नहीं करना है कि यूनिवर्सिटी में आए हैं आज पोस्टर लग गया बारिश आई पोस्टर धुल गया, मेरा ये था ऐसा कुछ करना है कि जो दुनिया से डिफरेंट हो, ठीक है ठीक है। तो मैंने जैसे उस उनकी हेल्प की, फिर अपना नंबर मैं वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को दे के आया, अच्छा, भी कोई भी बंदा दूर दराज से अगर गरीब आता है उसको ब्लड चाहिए, कह सकते हैं कि ऑफिशियल एक शुरुआत भी, हाँ ऑफिशियल शुरुआत हुई मानव सेवा की, बिल्कुल, हाँ, मैंने कहा किसी को जरूरत हो ना हाँ, तो मेरा नंबर दियो, अच्छा। और मैंने उसी दिन से जैसे वापस यूनिवर्सिटी आया, अच्छा, मैंने हर एक बंदे का ब्लड ग्रुप विद फोन नंबर विद डिपार्टमेंट, अच्छा, वो आपको फिर इंस्टेंट फीडबैक आना शुरू भी हो गया उसी बार, हाँ, मतलब जो मैंने सर्कल था जो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में काम करता था, अच्छा, मैंने उनको बोला भी मेरे को हर बंदे का ब्लड ग्रुप चाहिए, अच्छा ठीक है, मतलब फिर जैसे कैंपेन्स करी स्टार्ट करा, हाँ, छोटा हाँ, सा ग्रुप, हाँ उस टाइम ही उधम सिंह जी के नाम पे हम कुछ लड़के इकट्ठे होते थे, उनका डे सेलिब्रेट करना, आपने यही जो एक नाम है वो क्यों चुना, जब वो इकट्ठे होते थे सीनियर्स लड़के थे तो उन्होंने बोला भी यार हमने ना एक टीम बनाई उसके नाम पे ही, अच्छा। तो मैंने बोला टीम बना के अपने करना क्या, अच्छा हाँ। वो उनका थोड़ा पॉलिटिकली मोटिव था, अच्छा। मैंने कहा यार कुछ मीटिंग्स की, मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा मैं ये इस चीज़ों में काम करना चाहता हूँ कि उस इंसान का नाम, शहीद का नाम कुछ आगे तक पहुँच सके, ओके ठीक, क्योंकि अगर एक अपन मीटिंग्स तक सीमित रहे, उसको फूल चढ़ाने तक सीमित रहे तो वो नहीं है कि साल में 2 दिन उसको याद करें, हाँ। तो मैंने वो मिशन एक ऐसा चूज किया कि उसके नाम पे अपन निरंतर कुछ ना कुछ सेवा होती रहे, ठीक है। तो ये शुरुआत मतलब वहीं से एक ब्लड से करते करते शुरुआत, उसके बाद तो जो भी हमारे सामने आई चीज है, एक ब्लड वाले पेशेंट को बाद में उसको घर भी जाना, उसको रोटी भी चाहिए, उसको दवाई भी चाहिए,
ठीक है, उसकी लात टूट गई, उसको व्हील चेयर भी चाहिए। नहीं, मतलब फिर मतलब ये शुरुआत सिर्फ ये ब्लड डोनेशन तक ही सिर्फ ब्लड से, हमारी जो एनजीओ रजिस्टर्ड है वो भी उद्यम इमरजेंसी ब्लड के नाम से रजिस्टर्ड है। क्योंकि आपके बारे में जब हम देखते हैं तो ये आता है कि आप सिर्फ एक यू नो आपका सिर्फ एक टारगेट नहीं है, आज आप सब कुछ कर रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको कैसे प्रोवाइड करनी है, लोगों के घरों से कलेक्ट करना, एम्बुलेंस सेवा भी दी जा रही है, फ्री एम्बुलेंस सेवा, फिर ट्री प्लांटेशन की बात हो, एनिमल्स को, स्ट्रे एनिमल्स को किस तरीके से रेस्क्यू करना, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि संजीव कंबोज और उनकी टीम ने कुछ छोड़ा नहीं है। आज मानव सेवा में क्या कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ आज कर रहे हैं। मैं इन सब के बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सवाल आपसे भी ज़रूर किया होगा कि इतना सब कुछ हैंडल क्यों कर रहे हैं किसी एक टारगेट, क्योंकि 365 डेज मिशन है एंड व्हाट वी फील कि आपको हर दिन इतने पेशेंट्स के कॉल्स आ जाते हैं मानव अपनी सेवा के लिए कि आप हमारी ये हेल्प करें, वो हेल्प करें। सो एक जो टारगेट है आपने क्यों नहीं रखा, सिर्फ ब्लड डोनेशन तक ही क्यों आप सीमित नहीं रहे, बाकी के कामों की तरफ आपका रुझान है वो क्यों गया, ये मैं जानूंगी। संजीव जी, एक कायदे से हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं रियल लाइफ फंटोल स्टोरी में, तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमां में रब क्या दिखेगा जिसे इंसान में इंसान ही ना मिला। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी जो हम कवर करने आए हैं वो डॉक्टर संजीव कंबोज जी की है, जो कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर वो संघर्षरत हैं तो वो सिर्फ मानव हित के लिए, क्योंकि इसी से उन्हें अपार संतोष मिलता है और वो ये मानते हैं कि हर किसी को मानव सेवा तो करनी ही चाहिए क्योंकि इसी से ही एट द एंड ज़िंदगी की जो सार्थकता है ना वो पूरी होती है। संजीव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले हम शुरुआत से ही शुरुआत की बात कर रहे थे कि शुरुआत आखिर कैसे हुई, वो वाक्य ने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला और फिर आप कैसे मानव सेवा से जुड़ गए। तो मैं समझती हूँ कि चैलेंज ज़रूर रहते हैं क्योंकि इंडिविजुअली आपने इसको शुरू किया था एंड आज की डेट में 4,000 से 5,000 आपके साथ जुड़े हुए हैं एंड ऑन ग्राउंड आपके साथ भी बहुत से लोग एक्टिव हैं, क्योंकि 365 मिशन है, आई बिलीव बहुत से चैलेंजेस होंगे। लेकिन चैलेंजेस जाने से पहले मुझे यही समझना है कि ब्लड डोनेशन से आगे ये ह्यूमन सर्विस का काम आगे कैसे बढ़ता चला गया और आपने किस किस फील्ड में क्या क्या काम किया। बिल्कुल, हाँ, ब्लड के लिए क्या होता है कि ब्लड का जो सारा डोनेशन से लेके प्रोसीजर है सारा अरेंज करने तक का वो मैक्सिमम 2 to 3 hours का है। अच्छा, एक ब्लड रिक्वेस्ट आई हमारे पास, हमें फ़ोन आया भी इसको ब्लड चाहिए। अच्छा, तो हमने उस ब्लड रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया पे, फ़ोन कॉल की, विद इन हाफ एन आवर या आवर हमें पर्सन मिल जाएगा। ठीक है, हमारा काम क्या, उस जहाँ नीड है उस बंदे तक बंदा पहुँचाना। ओके, तो वो कॉल क्लोज हो गई, चलो दिन में 2, 4, 5 आई, वो प्रोसीजर चलता रहेगा। अब क्या होता है, ब्लड देने वाला एक बार ब्लड दिया वो 3 months तक ब्लड नहीं दे सकता, अगर उसने प्लेटलेट्स दिया तो वो विद इन 5 days or 10 days रिपीट कर जाएगा। ठीक है, मतलब एक बंदे से हमारी दोबारा मुलाकात 1 महीने 3 महीने बाद या कब होनी है। ठीक है, तो वो ब्लड वाला काम क्या, जिसने लेना है वो ले गया, जिसने देना वो दे गया। ठीक है, तो वो एक टीम वर्क जो होता है वो सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित रहता है। तो हमने, और फिर जिसकी हम हेल्प करते हैं वो बंदा भी बोलता है यार आप मेरे लिए खून देने आए हो, मैं क्या आपके लिए करूँ। अच्छा, वो एक सवाल उसके मन में भी होता है। ठीक है, ठीक तो हम उसको बोलते हैं यार आप भी किसी न किसी की हेल्प करना। अच्छा, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास खुद ही पेशेंट ठीक होने के बाद जाओ रिलेटिव के पास ब्लड होता है। ठीक है, अब हमने उससे सेगमेंट्स तैयार करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है, हमने मीटिंग्स करने के लिए, देखो मैं भी हर टाइम तो हॉस्पिटल जो डोनर डोनेट करने उससे मिल नहीं सकता, मीटिंग नहीं कर सकता, बहुत सारे तो अननोन फ्रेंड्स होते थे। अच्छा, डोनर्स हो गए जी, तो हम क्या करते थे मंथली कुछ ना कुछ गेट टुगेदर करते थे। अच्छा, तो वहाँ अगर कोई टीम कितनी थी आपकी,
टीम्स तो स्टार्टिंग में 20-30 बंदे की अच्छा इतनी हो गई थी क्योंकि कॉलेज कॉलेज मतलब क्लासमेट हो गया कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जिन जी रूबरू होते रहते थे। अच्छा ठीक है। तो छोटी मोटी मीटिंग्स करी। अच्छा। मीटिंग्स में कोई बंदा ऐसा भी होता था यार मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है तो कुछ हमें लगा भी यार कुछ ना कुछ अपना मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन डाला करें। तो एक बार पेशेंट्स ब्लड की हेल्प करने के वहाँ हमें कोई पेशेंट दिखा। अच्छा। तो वो पेशेंट ट्रोमेटिक इंजरी का था ब्रेन हैमरेज हुआ था। अच्छा। तो उसका आगे पीछे कोई नहीं था बुजुर्ग था। ठीक है। तो हम अपनी कोई फ्रेंड थी मेरी क्लासमेट उसके एक्सीडेंट के लिए पूछने गए थे। तो साथ के बेड पे था तो मैंने पूछा भी ये बंदा कैसे पड़ा। डॉक्टर ने बोला अगर इसका सर्जरी हो जाएगी तो बच जाएगा आगे पीछे है नहीं। अच्छा। तो सर्जरी कॉस्ट 13-14 हज़ार थी। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को कहा अगर 13-14 हज़ार ला देंगे तो बंदा बच जाएगा। अच्छा। कहता बच सकता है। अच्छा। आप ला दोगे? मैंने कहा हम ला देंगे। ठीक है। तो हमने वही जो है कुछ खुद से 500-700 कलेक्ट किया जो फर्स्ट पेशेंट था हमारा मेडिसिंस का। जी जी। ठीक है। जिसके लिए ब्लड की हेल्प करने आए थे वो भी बोलता 500 मैं भी डाल रहा हूँ। अच्छा। तो वो सेकंड काम जो हमारे लिए आया वो मेडिसिन हेल्प या कुछ पेशेंट्स हेल्प का। ओके। ब्लड के बाद हमने वो स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट हो गया। ठीक है। ठीक है। सेकंड वर्क हो गया हमारा। ठीक है। मीटिंग्स जो वहीं पे ही मीटिंग जो हम ऑन द स्पॉट मीटिंग करते थे। अच्छा। जहाँ वर्किंग एरिया। हाँ। अगर हॉस्पिटल ऐसे नहीं भी चाय पानी के ऊपर पैसे खराब करने या कुछ करने। ठीक है ठीक है। मीटिंग्स वैसी नहीं मीटिंग वो, होते वो कहते थे है ना संजीव जी के बस एक बार अच्छे काम में लग जाओ वो दिशा आपको अपने आप मिल जाती है कि अब आगे ये करना है वो करना है फिर इंतजार नहीं करते। बिल्कुल। जैसे मतलब वहाँ जो 5-10 बंदों को पता चला मैसेज फ्लैश हो यार ये काम कर रहे हैं सेकंड वर्क हो गया। अच्छा। उसके बाद जैसे विंटर्स आती की लड़कों ने ऑब्जर्व किया यार पेशेंट्स के पास पार्क में सो रहे हैं रजाइयां कंबल नहीं है। हाँ। तो न्यू ईयर सर्दियां दिसंबर न्यू ईयर आ जाता है। अच्छा। तो कुछ लड़कों ने बोला अपने रजाइयां वगैरह बांटेंगे अपने। हाँ। तो थर्ड हमने वर्क वो किया। हाँ। हर बंदे को बोला जितना जो कलेक्ट कर सकता है। हाँ। ब्लैंकेट्स कलेक्ट करो रजाइयां करो खरीद के लाए। अच्छा। थर्ड वो हो गया। धीरे धीरे जाते जाते फिर हमने देखा कि पीजे लंगर तब इतने नहीं लगते थे। अच्छा ठीक है। फिर वो भी लंगर सेवा भी हो गई। हमने जो टीम बड़ी हो गई थोड़ी। ठीक है। तो हम शहीद उधम सिंह या डेज तो सेलिब्रेट करते ही थे उनका। अच्छा। शहीदी दिवस आ गया कुछ ना आ गया जी। तो गैदरिंग यूनिवर्सिटी में हमारी होती रहती थी उनके ऊपर कैंडल मार्च करना। ओके ठीक है। फिर जैसे हमारी टीम बड़ी हुई हमने बोला यार ना लंगर लगाते हैं जो फर्स्ट हमने लंगर लगाया वही है हमने सारों ने कलेक्शन करी। ये सब कुछ आपकी पढ़ाई के दौरान ही हुआ। बिल्कुल, है स्टडी टाइम। हाँ, में क्योंकि होता है ना अक्सर यंगस्टर्स क्या करते हैं कॉलेज जाते हैं यूनिवर्सिटीज पढ़ाई करते हैं चले गए मौज मस्ती करके एंड देन अपने कामों में लगे बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक नए काम के साथ उसी वक्त जुड़ गए थे। बिल्कुल मतलब मौज मस्ती हमारी उसी में ही हो जाती थी। ठीक है ना। फिर हमने जो फर्स्ट लंगर लगाया तो फर्स्ट टाइम हमने ना वो हायर किए बनाने वाले। अच्छा। लाइक लांगरी बोलेंगे शेफ बोल दो जो मर्जी। अच्छा, अच्छा। तो वो बजट मतलब बहुत बढ़ गया। ओके। तो हमने सोचा यार ये बड़ा काम थोड़ी है बनाना। तो नेक्स्ट टाइम हमने खुद बनाया। खुद बनाया। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रोटियां खुद हमने बेली। वाओ, मतलब great, कुछ great, बड़ा great, great. नहीं था। that's commendable. तो हमने बंदा ढूंढा जो मतलब सेवादार होते हैं वो कहते यार आप लांगरी जरूरी बुलाना हम काम करेंगे आपके साथ। जो दूसरे लंगर में हमारे अगर पहले लंगर में 20-22 हज़ार जेब से डला तो दूसरे में 10 हज़ार। अच्छा। तीसरे में वो करते करते हमें पैसे बचने भी स्टार्ट हुए। कारमा बढ़ता चला गया मतलब वो जो फिर बोला भी यार ये सामान ला दो। अच्छा। पहले क्या होता था बंदे पे बंदा बोल देना भी यार ये ले आऊंगा वो टाइम पे पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा टेंशन होती थी। तो फिर जैसे 3-4 लंगर लगवाए तो हमें सिस्टम का पता लग गया अभी ये बंदा ले आएगा मतलब लोगों के साथ लोगों का विश्वास होना स्टार्ट हो गया। हाँ। तुम पैसों के ऊपर कम ध्यान दिया चीजों के ऊपर ध्यान दिया। तो जैसे लिमिटेड सोर्सेस में आपने रह के मैनेज करना सीखा। बिल्कुल। जैसे ये चौथा पांचवा काम हो गया फिर हमने जैसे उस टाइम J&K फ्लड्स आए थे। ओके। तो मेरे दोस्त थे एक सुनील लड़का था वो भी हमारे साथ ब्लड के लिए जुड़ा था उसके एरिया की लड़की को बोन कैंसर था। ओके ठीक है। तो वो हमारे साथ जुड़ा था तो हमने उसके लिए डोनर्स प्रोवाइड कराए थे। वो आज मैराथन रनर है। okay. मतलब दिल्ली से बॉम्बे वो भी रन करता है सोशल कोज के लिए। ओके। ओह वाओ। तो वो भी काफ़ी मतलब फंड्स वो अपनी एनजीओस के लिए जुटाता है। hmm. तो वो जब लड़का हमारे साथ मिला ठीक है तो अलग सर्कमस्टांसिस हुए उसको देख के हमने भी और आगे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो
वो यूनिवर्सिटी वो पीजीआई में एमआर था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे पीजीआई में मेनली जेएंडके के डॉक्टर्स काफ़ी थे, ठीक है, हर स्टेट्स के थे। तो जेएंडके के डॉक्टर्स ने इनिशिएटिव लिया था कि हमने मारे वहाँ फ्लड आया, मेडिसिंस वैक्सीन्स और जितना हो सके खाने पीने का सामान हम जेएंडके लेके जाएंगे। अच्छा। तो सुनील एमआर था, वो उनके साथ लिंक था। अच्छा। तो सुनील ने मेरे को अप्रोच की। अच्छा। भैया यूनिवर्सिटी में ये काम करते हो, कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो हमने 7 to 8 days हमने वो सारा कलेक्शन स्टार्ट की, फंड्स भी कलेक्ट किया, मेडिसिन वैक्सीनेशन हर जगह जाके, मेडिकल स्टोर पे, केमिस्ट पे जाके, स्टूडेंट्स को लगा के कंपेन करी। अच्छा। तो जहाँ तक मेरे को आइडिया 17-18 lakh कैश 2 to 3 trucks हमने मेडिसिन के किए थे इकट्ठे विद वैक्सीनेशन, और वॉलंटियर भी हमने बाय एयर जेएंडके भेजे थे। ठीक है, मतलब हमारे वॉलंटियर, मतलब ये नहीं भी रस्ते में वो चीज ट्रक पहुंचे ना पहुंचे, होता है बड़ा कुछ सुनने में आता है कि ट्रक रस्ते में ही बेच दिए जाते हैं। नहीं नहीं ठीक है, मतलब हमने जो चीज किया, मतलब करते करते लिंक्स हुए, मतलब कड़ी से, मतलब हम जुनूनी थे। ठीक है, अगर ब्लड के लिए भी हमने मतलब कुछ करना कैंपेन्स, तो हम मतलब डिपार्टमेंट्स तक जाते थे, जैसे लोग वोटें इकट्ठी करते थे, हम एक एक बंदे का ब्लड ग्रुप कैंपेन्स करनी, वहाँ पे स्टॉल्स लगानी, मतलब करते करते फिर इन्वायरमेंट क्या मेडिकल फील्ड में बड़े आगे, मेडिकल लोगों को छोटी छोटी चीजें मतलब करना, घर से कलेक्शन भी आपने घर से, वो तो वो भी हमने स्टार्ट की, मतलब वहाँ अगर पेशेंट आया उसको कपड़े चाहिए, कंबल चाहिए, उसको व्हील चेयर चाहिए, उसको स्ट्रेचर चाहिए, फिर पेशेंट को घरों तक छोड़ना। अच्छा। हमने इवन नेपाल तक भी डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट की हुई है। ठीक है, फिर ऐसा टाइम भी आया खुद अपने हाथों से भी डेड बॉडी हमने संस्कार के छोड़े, तो बहुत है। हमने ये नहीं, लोगों ने आज बहुत कुछ लिखा होता है कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है, फिर उसमें छोटा सा एक ब्रैकेट में दिया होता है फॉर ट्राई सिटी। जी जी, फॉर ट्राई सिटी ओनली, मतलब फिर ओनली, फिर जब आप कॉल करेंगे तो वो शायद वो एम्बुलेंस गई हुई है, ये आपको सुनने में मिलेगा। जी जी ठीक है, जो हमने किया, चाहे हमने एक पेशेंट की हेल्प करी है, फिर हमने लिमिट्स नहीं देखी। मतलब मैंने बरेली में एक डेड बॉडी भेजी थी, 26,000 or 32,000 हमारा खर्चा आया था उसको भेजने में एम्बुलेंस हायर करके। जी मतलब हमने फिर नहीं देखा, मतलब अगर पैसा लग रहा, लोग भी जिद कर लेते थे, हमने बोला यार इंसान ख़त्म हो गया, अब डेड बॉडी है, अब ये इंसान नहीं रहा, कहते नहीं हम तो अपने घर ही लेके जाएंगे, इसका संस्कार वहीं करेंगे। तो आज लोगों को, कईयों को हम समझाते हैं, आज संस्कार 40 rupees में भी हो जाता है। जैसे 25 शमशान घाट है, इलेक्ट्रिकल वो सारा सिस्टम है। तो मैंने खुद, हमने दो बंदों ने भी डेड बॉडी को उठा के, 32 में एक डेड बॉडी यंग लड़के की मिली थी, उसको टीबी की प्रॉब्लम थी, तो घर वाला कोई सपोर्ट करने की एक माँ थी। जी, जी। तो हम दो लड़कों ने इसी कोविड में, कोविड जब लगभग ख़त्म था, तो तब हमने दो लड़कों ने भी उसका संस्कार करवाया। मतलब कुछ ऐसा नहीं अब लगता कि ये असंभव नहीं लगता है। हाँ, आपको कि हम कुछ मतलब कर नहीं सकते हैं, अपना थोड़ा सा टाइम डेली के 1-2 hours निकाल के सब मैनेज हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है, बट करने वाला इंसान होना चाहिए और उसकी एक निक सोच होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब कोई हमें सामने मिलता नहीं यार, पहले तो होता है भी यार नहीं होएगा, नहीं कर पाएंगे। वही 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 मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि चुनौतियां तो पक्का रही होंगी, और हर एक कहीं एक एनजीओ की एक अपनी लिमिटेशंस भी होती है, आपकी वो क्या है वो भी हम संजीव जी जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एंड मैं तो ये कहूंगी कि आज मौसम भी मेहरबान पहले था, लेकिन अब क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, तो चलिए थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत लौटते हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, और आज डॉक्टर संजीव कंबोज जी की रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं और किस आप क्या करना चाहते हैं, जब आपको ये पता होता है तो फिर आप कोई भी काम शुरू करें, और यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो आप नहीं रुकते, वो काम अभी कभी भी आपको असंभव नहीं लगता है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप देश या समाज से कोई भी काम करना शुरू करते हैं, देश की उन्नति के लिए या फिर समाज की उन्नति के लिए या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, और जब ये मार्ग जो है प्रशस्त होता है, तो वो जो इंसान होता है ना, वो सम्मान का पात्र होता है। डॉक्टर संजीव कंबोज जी भी सम्मान के पात्र हैं, जिनकी आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को हम कवर कर रहे हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत, और
चलिए अब तक तो हमने ये जाना है कि कारवां कैसे शुरू हुआ और फिर ये आगे देखिए काफ़ी हद तक बढ़ता चला गया और आज एक बड़ी टीम है जो सब कुछ ग्राउंड लेवल से लेकर देश के किसी ना किसी कोने में भी एक्टिव है आपकी टीम एंड लेकिन हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस रहते हैं। आई फील कि ये चैलेंजेस रहे होंगे क्योंकि आप स्टूडेंट थे जब ये काम शुरू किया और अब सो 10-12 साल हो गए लेकिन फिर भी उस वक्त के क्या चैलेंजेस रहे एंड मोर ओवर क्योंकि आप कहते हैं कि 365 मिशन हैं आपके पूरे एनजीओ का सो ऐसे में वी वांट टू नो कि कोविड के टाइम में भी फिर सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही होंगी चैलेंजेस उस वक्त भी रहे होंगे ओवरऑल क्या चैलेंजेस रहे हैं प्लीज़ वो हमें बताएं। बिल्कुल चैलेंजेस मेनली होते हैं कि आपको ग्राउंड पे वॉलंटियर्स कैसे मैनेज करोगे अरेंज करोगे हर एक का टाइम बहुत कीमती है ठीक है क्योंकि जिनकी डिमांड्स है अगर कुछ चीज़ बांटने जाना तो वहाँ भी 8-10 वॉलंटियर्स चाहिए ठीक है किसी भी चीज़ में वॉलंटियर्स आर द बैकबोन ऑफ एनजीओस जी ठीक है तो सबसे मुश्किल होता है भी अगर ब्लड भी चाहिए उतने टाइम में अरेंज कर देना बड़ा मुश्किल होता है हाँ। मतलब हर टाइम वो बर्डन स्ट्रेस रहता है भैया इसको मैंने आधे घंटे में वो चीज़ पहुंचानी है ठीक है लाइक हमारा 24/7 इमरजेंसी वाला काम है हाँ। अगर वो बंदा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा उसी तरीके से अगर वो टास्क कम्प्लीट नहीं होता क्योंकि पेट तो कुछ है नहीं ब्लड भी देना है अपनी विलिंग से देना ठीक है इसी तरीके से वॉलंटियर्स अरेंज करना फंड्स आजकल अरेंज करना थोड़ा इजी है और बंदे अरेंज करना बहुत मुश्किल टफ है मतलब वहाँ उस स्पेस पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे उस एरिया में ढल पाएंगे वहाँ काम कर पाएंगे इतना टाइम दे पाएंगे तो वॉलंटियर आप जैसे कह रहे हैं कि उनको अप्रोच करना वैसे मेरे ख्याल से ऐसे नए काम के जब आपको लोग देते होंगे तो खुद ही इंस्पायर होकर आपके साथ जुड़ने की कोशिश वो जरूर करते होंगे इंस्पायर ऐसे आते हैं आप लोगों के पास इंस्पायर होकर आते हैं बिल्कुल अच्छा। आते हैं बट मेरा भी वो मानना है कि अगर कोई बंदा इनकम कर ही नहीं रहा ना हाँ। कम से कम अगर वो रोजगार करता है वो बंदा आए जिसके पास थोड़ा टाइम है अच्छा थोड़ा उसके पास पैसा है तो और वो रेवेन्यू आ सके हाँ रेवेन्यू के साथ साथ वो उसके घर पे उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इफेक्ट ना हो अच्छा एक तो वो सेवा कर रहा है उसके घर वाले भी उसको लड़ रहे हैं पीछे से अच्छा मतलब मैं नहीं चाहता कि वो अगर वो सेवा तभी होती है अगर मन बंदे का शांत हो शांत मन से मैं खुद ही परेशान हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं सेवा करने जा रहा हूँ मतलब हाँ, नहीं है वो ऐसा नहीं हो सकता हाँ, मतलब हाँ, अगर दुखी बंदा आ रहा है उसको खुश तो मिलेगा कुछ पल का बट वो उसका दुख भी होएगा कि जो लोग उसकी फैमिली के करके हो रहा है सेवा का मतलब क्या पर घर से ही खुश नहीं है हाँ, तो पर सेवा क्या करेंगे राइट सो मेनली वही है कि वैसे वॉलंटियर्स की जरूरत है जो कम से कम अपना भी सोच रहे हैं मैं भी अपना रोजगार करता हूँ उसके बाद मैं 2-3 घंटे या कोई वीकेंड्स में डे या कुछ निकालता हूँ मेरा मेन फोकस या मेरी मेन मोटिव यही था कि लोगों को अवेयर इंस्पायर करना कि वो लोगों के लिए खड़े हो जाए ठीक है लाइक सलमान खान का मिशन था अभी 1-3 की हेल्प करना मेरा उस मूवी से पहले का ये चीजें थी मेरे मन में अच्छा भी एक के थ्रू कोई टाइम की हेल्प कर सकता है कोई पैसे की कोई ब्लड की मेरा भी वो मानना था अभी यार मेरा काम है लोगों को अवेयर करके भी वो लोगों तक खड़े हो जाए मेरा ये नहीं कि मैंने खुद करना मैं खुद नहीं करता हूँ मेरा काम है करवाना बस यही मेरा है मेन पर्पस लेकिन लिमिटेशंस भी तो आपकी होती होंगी ना क्योंकि आपने किसी एक फील्ड को नहीं चुना है यू डूइंग एवरीथिंग सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ ना कोई एक बाउंडेशंस कुछ लिमिटेशंस होती हैं एक यू नो एक कहें कि यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं फिर आगे प्रॉब्लम्स आती हैं बिल्कुल क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि एनजीओ हर कोई चला रहा है एक इनकम कैसे आ रही है उसको मैनेज किस तरीके से करना है मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टीम ऑल्सो फिर आपने तो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें शुरू की एक ट्रांसपेरेंसी आप कैसे रखते हैं मोड आपका किस तरीके का होता है काम करने का अब थोड़ा इसके बारे में बताएं बिल्कुल लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी हैं हाँ क्योंकि हमारे पास मोस्टली अब केसेस आते हैं पेशेंट्स के ठीक है पेशेंट्स के केसेस आते हैं तो हर एक पेशेंट पे आज लाखों रुपया लगता है हाँ हम उसके लिए भी चूज करते हैं कि देखो प्राइवेट में हम तो हेल्प करेंगे नहीं पहला है? हमारा सिस्टम प्राइवेट में मूल मिलने क्यों कौन जाएगा जिनके पास पैसा है ठीक है हम चूज करते हैं पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा जो 10 लाख का इलाज अगर वहाँ 1-2 लाख में होना है तो हम कर सकते हैं अच्छा और हमारी लिमिटेशन ये भी है अभी जब तक पहले वाला केस नहीं सोल्व होता हम ये नहीं है कि 50 केस पकड़ लेंगे अच्छा ठीक है 2-4 तो पैरेलल चलेंगे ठीक है
ठीक है, क्योंकि हम किसी को झूठा दिलासा नहीं देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भेज करेंगे कराएंगे नहीं, करना तो यस है, उसका पूरा बजट वेरीफाई करके इस तरीके से करना। और थर्ड, हम किसी के लिए मास में फंड नहीं रेज करते, लाइक मैसेज आते इसको कैंसर, इसको 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, नहीं करते हम। ठीक है, अगर कैंसर में कीमो लगनी, जितनी कीमो 10-12 लगनी है, कुछ फैमिली कर सकती है, वेल एंड गुड है, जो फैमिली नहीं भी कर सकती, हम उनको मंथली सिस्टम पे हम काम हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एक तो पैसा कम यूटिलाइज होता है, अगर मैं लाखों रुपया इकट्ठा करूँगा तो वो हमें शो करना, कहाँ लगाया, कैसे करना, बहुत मुश्किल होता है। हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, विद इन 24-40 आवर में जितना फंड कलेक्ट हो गया वो हजारों में होगा, ना कि लाखों में होगा। जो चीज लाखों में होगी उसमें खाने पीने का सारा सिस्टम उसके ऊपर, मतलब 11 साल हो गए हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा। ठीक है, हमारी जो मेन कोर टीम थी 7 मेंबर्स की, वो सेम है। ठीक है, मतलब कभी हमारा ये नहीं हुआ भी पैसा ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लड़ाई होगी, कुछ होगी, क्योंकि वी फील के एक ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, और हाँ, आप ये विश्वास किसी को कैसे दिलाते हैं? बिल्कुल, अब विश्वास दिलाते हम, पहली बात तो कोई गूगल पे पेटीएम शो ही नहीं करते भी इसमें डाल ली जाओ। अच्छा, लोगों को ये ना हो कि इसके पास इतना पैसा चला गया, हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, हम कोई ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करते NRI वीरो आओ ले लो अडॉप्ट कर लो, ऐसी अच्छा। रिक्वेस्ट बहुत कम होती है। ठीक है, जो भी पहले हमारे साथ जुड़े नहीं करते हैं। हाँ, अप्रोच होती है, बट ऐसे नहीं होती भी, हम उनके साथ सिर्फ अकाउंट नंबर शेयर कर रहे हैं। अच्छा, हम बोलते हैं ये हमारा ग्रुप, आप जुड़ो। अच्छा, आप किस वे में, 90% तो हम बोलते हैं उनकी मेडिसिन वगैरह में हेल्प करो, उनकी वहाँ कॉस्ट जो भरने वाली पड़ी आप उसमें हेल्प करो, ना कि हमें करो। ठीक है, और हम 70-80% जो हमारी पैसा जाता है वो तो डायरेक्ट पेशेंट्स के पास जाता है। अच्छा, और एनजीओस, बहुत सारे बंदों ने ग्रुप्स बनाए होते हैं, बट वो एनजीओस नहीं होती। अच्छा, एनजीओस एक प्रॉपर रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है या ट्रस्ट होती है, जो हमने करवा रखी है 2014 से। अच्छा, ठीक है, उसमें जितना पैसा आएगा उनकी हम रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, रिटर्न फाइल करने के बाद हमें जो CA हमारा टैक्स पड़ता या नहीं पड़ता वो सारा पूरी, हम जो हमें दे रहा है उसके लिए स्लिप भी अगर कोई लेना चाहे तो वो भी हम देते हैं। ठीक है, तो हम साल का हमारा रिकॉर्ड्स होता है पूरा, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स वाले किसी को नहीं छोड़ते तो नहीं, मतलब हमने एक बैल, किसी को पूछना भी आपके कितना पैसा अकाउंट में कुछ है तो वो उन चीजों से हम वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने हेल्प करनी, हम बोलते नहीं आप हमें दो, हमारी ट्रस्ट को दो, हमने एक रिक्वेस्ट रेज करनी है, हाँ वो दो। हाँ, कुछ बंदे लोग जिनको विश्वास है वो NGO के थ्रू करेंगे, जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब ये सारी ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए हमें 10-11 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और हमारी एक लंदन भी यूनिट वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। ओके, तो धीरे धीरे कई कंट्रीज में और भी हमारी कोशिश रहेगी। हाँ, कि जैसे जैसे वॉलंटियर्स हैं तो हम ये नहीं भी उनसे भी पैसा मंगवा के वो काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, फिर क्योंकि आई फील कि कोविड के टाइम पे भी तो ये प्रॉब्लम्स, ये जो चुनौतियाँ वो और ज़्यादा बढ़ गई होंगी, क्योंकि वहाँ पे तो आंखों देखा हाल, जब हमने रोते बिलखते हुए लोगों को देखा है, तो उस टाइम पे फिर आप लोगों ने किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज किया कोविड पेशेंट्स को, उनकी फैमिली को? कोविड फैमिली, हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए ऑक्सीजन वगैरह की, उनके घरों तक खाना पहुँचाने के लिए। हाँ, राइट, ठीक है, तो हमने खाने के लिए तो फिर लंगर 74 डेज हमने खुद PGI के वहाँ लगाया। ठीक है, फिर जैसे RTS होटल के साथ हमारा लिंक था, रॉ मटेरियल तो हमने लगभग जितनी मैं इतना बोल सकता हूँ भी 95% कॉल्स आई होंगी तो उनके घरों तक हमने पहुँचाया। मतलब ज़्यादा नहीं तो 100-150 फैमिली को डेली हमने पूरी किट बना के, पूरा राशन उनके 20 दिन या महीने डेढ़ चलने वाला वो चलाया। और आज भी बहुत सारे पेशेंट्स के घर हमारा, हम ग्रोसरीज उनके घर देते हैं जिनके मेनली पेशेंट हो, क्योंकि पेशेंट वाला बंदा कमा नहीं सकता, तो उनका कई कई सालों से राशन चल रहा है, आज भी चल रहा है जी। मतलब उनके अगर एजुकेशन, बच्चे नहीं पढ़ने वाले हो तो कोविड और आज के टाइम में, हाँ तब वहाँ था मास में लोगों की हेल्प करनी पड़ रही थी जी। तो कोविड में हर एक बंदा परेशान था जी, तो जो उनको गाइडेंस चाहिए थी, किसी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए थी तो हमने किया। इवन कोविड में हमारे लड़कों ने प्लाज्मा भी डोनेट किया। ठीक है, कईयों को कोविड हुआ भी, हमारे लड़कों को भी डेड बॉडी तक इवन संस्कार में हमने कोविड में किया काम। जब आप काम करते हो तो चैलेंजेस आते हैं, बट
वो दूर भी होते हैं, दूर भी होते हैं, वो अपने आप दूर हो जाते हैं, या फिर वो रब जो है वो आपको रास्ता दिखा देता है। या तो आप उस चीज में पढ़ोगे नहीं, अगर पढ़ गए तो आपको वो चीज से निकलना पड़ेगा, मतलब चलता रहता है, लोग सपोर्ट करने वाले होंगे तो जरूर। नहीं, आपकी बात को सुनकर डॉक्टर साहब मैं तो ये कहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, मैं प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में इस बात का जिक्र कर भी रही थी कि एक ऐसे हैं जिनके मानवता के आगे कुछ दिखता नहीं है, जैसा जिक्र आपने भी किया, और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें जिन्हें मानवता पे विश्वास ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये एकांत में मेरे ख्याल से हर किसी को बैठ कर कभी ना कभी अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम जिंदगी में आए हैं तो क्या सिर्फ अपने लिए आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता है कि मानव सेवा करने के लिए आपके पास पैसा होना सबसे पहले ज़रूरी है, यदि आप वही नहीं कर पा रहे हैं, वही नहीं है आपके पास, तो आप मानव सेवा कैसे करेंगे। इनमें ना दो तीन चीज़ें हैं, आज के टाइम में ना लोगों का जो मेंटली स्ट्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर एक बंदा आज परेशान है, ठीक है, मतलब बंदे को आज खुशी ढूंढनी आती ही नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ यार अपनी ज़िंदगी में हर मस्ती करो, ठीक है, हर चीज़ करो, बट एक इंसान को इंसान का फ़र्ज भी अदा कर देना चाहिए। अगर आप अपना फ़र्ज ही भूल जाएंगे तो कोई सोशल वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने इसको एक डेली की एक मेरी ये हैबिट ही है, ठीक है, अभी इस चीज़ को मैं आगे करता जाऊंगा, और सुकून जिनको चाहिए वो वैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट टर्म में ये मेंटली स्ट्रेस की चीज़ है एनजीओ, मतलब जो दूर करने के लिए, अच्छा, ठीक है। आप बच्चों से मिलोगे जिनको कैंसर है, एनिमल से मिलोगे कोई इंजर्ड है, अगर आप उनको उनके लिए आपके मन में सिंपथी है थोड़ी बहुत तो वो चीज़ आप कर लोगे। हाँ, अपने डेली कैजुअल में नहीं, वीकेंड पे कुछ ना कुछ है थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, ठीक है। जिसको आप सब कुछ होता है सबके पास, आज थोड़ा बहुत अगर आप बाकी चीज़ों को डिनाई करके थोड़ी थोड़ी सेविंग करके भी वो किसी न किसी जरूरतमंद तक अपन लगा सकते हैं। अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बर्थडे उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं भी जो ऐसा यूजुअली करते भी हैं। वैसे लोग ही इस चीजों को चला रहे हैं, मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, किसी टाइम चीजें लगती हैं, अदरवाइज सब मैनेज होता है, बहुत इजीली मैनेज होता है। अगर आप चलते रहोगे, किसी चीज को रोक दोगे, कुछ ब्रेक ले लोगे, आज मैं बोलूँ आज मैंने बंद कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद स्टार्ट करूंगा, वो चीज नहीं चलती। ये एक नदी की तरह है, नदी की तरह है, जिस तरफ रास्ता मिलेगा आपको मुड़ना पड़ेगा, आपको मुड़ना पड़ेगा। ये बात आई अग्री विद यू। संजीव जी, आगे आपके अब क्या प्लान्स हैं? 365 मिशन तो चलिए निरंतर चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ आगे आप क्या करेंगे आगे? बिल्कुल, मेरे जो आगे प्लान्स हैं, एक तो हम कुछ लैब्स, अच्छा, फार्मेसी, हम एक तो कपूरथला हमारी जो उद्यम एनजीओ के लंदन यूनिट है, ओके, तो वो हमारे मंजीत बांबरा जी है, उनका अपना बिल्डिंग है, उन्होंने पूरी बिल्डिंग मतलब इस चीज़ के लिए अपनी डोनेट कर दी है, ठीक है, ठीक है। बट हमें वहाँ पे मशीन्स वगैरह जो भी अब रिक्वायरमेंट होएगा, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर खर्चा आना है, एक फार्मेसी को चलाने में अच्छी लैब्स, अच्छे वहाँ पे टेक्नीशियन रखेंगे, कोई डॉक्टर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा मतलब वही है, जब पहले तो उनका था कि हम डायलिसिस सेंटर तक भी वहाँ खोलें, एक मेडिकल ऑफिसर या डेंटल ऑफिसर वहाँ बिठाएं जो उस चीज़ को रन कर पाए। तो मेरा यही है कि पहले वन बाय वन स्टेप, ठीक है, चलो हमारे पास स्पेस, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है स्पेस, क्योंकि रेंट ही नहीं आप अफोर्ड कर पाते हो जी, वहाँ स्पेस है, हम फार्मेसी और लैब्स जो इस अक्टूबर में हमने स्टार्ट करनी है, फिर कुछ चंडीगढ़ एरिया में ही हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ लाइक अ मिनी हॉस्पिटल, जिसमें हम लोगों को मतलब मिनिमल रेट्स पे टेस्ट हो गए, ठीक है उनका डायको की आजकल बाहर कोई एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी जाता है ना, क्योंकि पीजीआई में, क्योंकि उसके साथ एक गांव है नाडा गांव, वहाँ के बंदों ने अप्रोच किया था कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन है बट कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हमें सिर दर्द भी हो जाए, बुखार भी हो जाए, मैं छोटी सी चीज़ के लिए पीजीआई जाना पड़ता है, और पीजीआई में एक कार्ड बनाने में घंटों लगते हैं, वो कब हमारा चेकअप होगा, अगर एक को बुखार है तो मतलब उस एरिया, वैसे एरिया में हम कुछ ना कुछ सेटअप करने की सोचेंगे, या बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, चलो वो
वाइड कंसेप्ट है हमारा कि हम कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों के लिए रहने के लिए भी जगह बनाएं, उनकी जितनी जिंदगी है मे भी वो लॉन्ग लाइफ जिए, अगर कोई छोड़ भी जाता है दुनिया को तो उनकी एजुकेशन, रहने और दवाई तक का, ऐसा मेरे हिसाब से एक हॉस्टल लगा लो आप, जहाँ बच्चों 20-50 बच्चों को हम रखें। ये दिक्कत रहती है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में एक बच्चा देखा, वो आशीष था, बच्चे को 1.5 साल का था, बोन कैंसर थी, महाराष्ट्र से था। अच्छा। तो पीजीआई जब आया तो बोन कैंसर डायग्नोज, उसके फादर 14 दिन पार्क में सोए थे विंटर में, 1.5 साल का बच्चा। अच्छा। तो उसके पास पेट स्कैन कराने के पैसे नहीं थे, 8-10 हज़ार रुपये अभी। अच्छा। तो आज वो बच्चा हेल्थ ही है, मतलब हमने उस बच्चे के लिए, फिर जैसे पता लगा 14 दिन पार्क में सोया तो उसके लिए रूम अरेंज करवाया वहाँ, मतलब उसकी सारी, मतलब आप ऐसे पेशेंट से जब मिलते हैं जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं कभी ऐसे बच्चों से मिली नहीं, यू नो, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि उन बच्चों से मिलकर आपको, आपके मन में सबसे पहले क्या आता है, ख्याल क्या आता है, वो बच्चे आपसे क्या कहते हैं, क्या आपसे अपील करते हैं? वैसे तो सच बताऊं तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता उन्हें है क्या। पेरेंट्स भी उनको कैंसर वर्ड तक बोलने या उनके सामने हमें बोलते भी इनको मत बोलना भी इनको कैंसर है, ठीक है। अब 2-4-5 साल साल के बच्चे को कैंसर का क्या पता, वो जो ट्रीटमेंट होता है वो हराशिंग होता है, पेनफुल होता है, कीमो हो रही है, बच्चे के बाल सड़ जाना, मतलब बॉडी से, जब इवन प्लेलेट्स ब्लड कहाँ काम आता है, इन कीमो में भी आता है, जब हाई डोज कीमो दी जाती है शरीर सड़ता है, समझ लो अंदर से जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, प्लेलेट्स, ब्लड, रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, प्लेलेट्स कम हो जाता है, नाक मुंह से ब्लीडिंग तक आती है। जी जी, ठीक है। तो हमारी टीम उसमें भी प्लेलेट्स में काम करती है, तो वो बच्चों का तो कुछ नहीं होता, उन बच्चों को तो होता है हमें खेलने पीने खाने को कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है, कोई कंपनी मिल जाए, अलग एटमोसफियर मिल जाए, बट उनके पेरेंट्स के एक ही होता है, बियरिंग के लिए दवाई का जुगाड़ हो जाए, ठीक है, मतलब उनका यही होता है, उनको ये भी नहीं होता इनके सारे ट्रीटमेंट को हो जाए, उनको ये होता है यार इनके लिए ना मेडिसिन का कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए। तो हम भी होते हैं, सारों की तो नहीं कर पाते, कोई ना कोई अपने जैसे और बंदे भी होते हैं, तो किसी न किसी बच्चे के लिए 2-4-5-10 हज़ार रुपये की मेडिसिन का जिम्मा लेते रहते हैं। हाँ, मेरा ये होता है वहाँ, जैसे PGI में बच्चे हैं 30-40 हैं, मेरा यही होता है अगर किसका नहीं हो रहा ना वो मेरे पास आ सकता है, मेरा नंबर लोगों के पास पहुंच जाता है, आप तक पहुंच गया तो उन तक पहुंच जाता मतलब है, ना नहीं जाती है। हाँ, मतलब छोटे बच्चों के लिए मैं 5-10-20-50 हज़ार लाख रुपए तक मैं नहीं देखता हूँ भी, अगर मेरे को लगाने पड़ेंगे तो मेरे को क्या, मेरी टीम को, ठीक है, चलो आज खुद से भी कमाते हैं बट हम नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आज, हाँ, लोग, आपने एक क्वेश्चन मेरे से किया था भी पैसे के बिना भी ये चीज़ें या कैसे पॉसिबल होती हैं, मेरे को, मेरे एक अंकल थे वो बोलते यार तू NGOs तो बना रहा है बट पैसे के बिना कोई चीज़ें नहीं चलती, वही ना, तो पैसे के बिना कैसे चला लेगा। मैंने बोला, क्योंकि मेरे साथ यंगस्टर थे, टीम थी, मैंने बोला ये क्या, कहते ये तो बंदे हैं, मैंने कहा ये बंदे नहीं ये पैसे हैं। अच्छा। मैंने कहा इन बंदों में कैपेसिटी है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि मेरी जैसे फ्रेंड्स थी जो भी थी, वो उनको पता लगा भी कोई केस, अब केस आ गया, तो वो खुद से ही उस बच्चे की एक पोस्ट रेडी करके प्रिंट आउट निकलवा के वो 17 सेक्टर प्लाजा जाना, कहाँ जाना, यूनिवर्सिटी जाना, वो इतना फंड रेज कर लाते थे, लोगों तक पहुंच जाए और एक मदद मिल जाए, मतलब हर चीजें बहुत इजिली या चीजें चलती रही हैं, मतलब हर एक बंदे में आज सोशल मीडिया, आपके लिंक्स में 20-50-100 लोग होते हैं, तो दो बंदे भी आज कंट्रीब्यूट करने वाले करते हैं, अच्छा करते हैं, 5-10-20 हज़ार आज नॉर्मल है बंदे के लिए, तो अपने लिए आज लाइफ में ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। आजकल मेरे बस वही मानना था कि जिनके पास NGOs के पास पैसे होते हैं वॉलंटियर नहीं होते, 11 सालों में इवन सिंगल पेड वॉलंटियर नहीं है, हमारी दोनों गाड़ियों में कोई पेड ड्राइवर नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है कि हम रेंट पे ही पैसा बर्बाद करते रहे, नहीं है ऑफिस, क्या जहाँ काम करना वहाँ पहुँचो, ठीक है ना, मतलब आपका एरिया, वर्किंग एरिया पे आप पहुँचो, ऐसे बैठ के, मतलब नहीं, टाइम पैसा, हम जितनी भी जगह जाते हैं कोई हमारा, हम NGO से कोई फंड नहीं लेते, कोई ट्रांसपोर्ट फेयर नहीं एक्स्ट्रा, कोई भी, हम इवेंट्स भी जितने करवाए हैं 100+ पता नहीं कितने ही हो गए होंगे, इवेंट्स पे भी जो पैसा लगा हमने कभी NGO से नहीं दिया, बट वही है, सारे किसी से कोई सामान, टेंट की सेवा कर रहा है,
कोई कुछ कर रहा है, तो सारी चीजें चलती रहती हैं। आपको जानकर और आपकी इस पूरी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को जानकर हम यही कहेंगे कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग समथिंग। सो संजीव जी, मैं इतना कहूंगी कि आपकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को कवर करने का हमें जो ये जो सौभाग्य मिला, ये वाकई इसकी एक वैल्यू है। और मैं ये कहूँगी कि आप जैसे लोगों की हमें और ज़रूरत है, जो निस्वार्थ होकर इसी भावना से आगे काम करते रहना। आई विश कि जितने भी आगे आपके प्लान्स हैं वो सब सक्सेसफुल हों, और आप जिस दिशा में अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं और आप आगे और काम करें, और आपको इसी तरीके से उन्नति जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच अपना जो कीमती टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आपके पूरे चैनल का, शो का, और सारे ही जो टीम मेंबर्स हैं आपके, उनका तहे दिल से शुक्रिया था जो हमें आप कवर करने आए। थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो एट दी एंड यही कहेंगे कि जो हर बार कहते भी हैं आपसे कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर आप geet@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा, या कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। सो इसी के साथ इजाज़त लेंगे, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ होगी आपकी और हमारी मुलाकात, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और इजाज़त लेंगे। लेकिन जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जस्ट हिंदी। नमस्कार।